उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने ऐसा हथियार बना लिया है जिससे वो जब चाहें सुनामी ला सकते हैं। दावा है कि उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया जो समंदर के अंदर सुनामी लाने की ताकत तक रखता है। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने समंदर के अंदर परमाणु क्षमता से लैस एक ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन समंदर में 500 फीट की गहराई तक गया और करीब घंटे भर तक इसने समंदर में पानी के अंदर ही गश्त की। हालांकि इसकी परमाणु क्षमता के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसे किम जोंग उन के जखीरे के सबसे खतरनाक हथियारों में एक बताया जा रहा है, क्योंकि इस ड्रोन के जरिए किम जोंग उन अकेले ही समंदर में होने वाली बड़ी से बड़ी जंग का फैसला एक बटन दबाकर कर सकते हैं। क्योंकि उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक इस ड्रोन से निकलने वाली मिसाइलें इतनी ताकतवर होंगी कि समुद्र में सुनामी ला सकती हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के जहाज तो दूर पूरा का पूरा बंदरगाह तक डुबोया जा सकता है। उत्तर कोरिया का दावा है कि वो इसके जरिए अमेरिका के महाशक्तिशाली जंगी जहाज रोनल्ड रेगन तक को तबाह कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इससे घबरा गए हैं। क्योंकि अगर उत्तर कोरिया का ये दावा सही है तो फिर दक्षिण कोरिया और जापान पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जिससे निपटना दोनों देशों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इधर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत दे दी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली विधानसभा से एक साल के लिए निलंबन के प्रस्ताव को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के आरोप में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस बीच रूस के एक सांसद ने ब्रिटेन को नक्शे से मिटाने की धमकी दे डाली। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के लिए ब्रिटेन को दोषी ठहराया और यह आरोप लगाया कि ब्रिटेन लगातार जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। आंद्रे गुरेलेव नाम के रूसी सांसद ने दावा किया कि ब्रिटेन ने रूस से ऐसी दुश्मनी मोल ले ली है कि अब वो बच नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ब्रिटेन और अमेरिका जानबूझकर जंग को भड़का रहे हैं ताकि रूस को कमजोर किया जा सके। रूस के सांसद और पूर्व कमांडर गुरेलेव ने कुछ दिन पहले यह आशंका भी जताई थी कि दोनों देशों के बीच जारी जंग 2027 तक भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाला। इसलिए यह जंग तभी खत्म होगी जब रूस यूक्रेन को मिट्टी में मिला देगा। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 398 अंक गिरकर 57,000 के नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 131 अंक लुढ़ककर 16,945 पर बंद हुआ। उधर अमेरिका में टिकटॉक के सीईओ से लंबी पूछताछ हुई। उनसे ये पूछताछ अमेरिकी सांसदों ने की जो करीब 5 घंटे तक चली, क्योंकि अमेरिका को शक है कि टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले लोगों का डेटा चीन की सेना को दिया जा रहा है, जिसे चीन अमेरिका के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अमेरिका को शक है कि चीन ने एक नई तरह की जंग छेड़ दी है, जिसमें उसने अमेरिका के बच्चों को अपना हथियार बनाया, क्योंकि अमेरिका में टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले बच्चों की अच्छी खासी आबादी है। कई बच्चों के माता पिता ने तो इसका विरोध भी शुरू कर दिया। वो टिकटॉक की वजह से उनके बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव से परेशान दिखे। विरोध करने वाली कई महिलाएं बैन टिकटॉक लिखी टी शर्ट पहने नजर आईं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि चीन टिकटॉक को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। टिकटॉक इज अ वेपन एवरी सिंगल डे इन अमेरिका, आवर चिल्ड्रन आर अंडर अटैक। इन लोगों ने एक सुर में अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की मांग की। एंड इट्स डिलीवर्ड बाय अ चाइनीज एल्गोरिथम, वी हैव टू बैन इट टुडे। मतलब अमेरिका उन देशों की लिस्ट में शामिल होने की तरफ बढ़ रहा है जहां टिकटॉक बैन है।